हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। कितनी लंबी जा सकती है रेस 4 की स्टार कास्ट लिस्ट, कौन से कलाकारों की हो सकती है वापसी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फ्रेंचाइजी के बारे में जिसमें एक्शन, थ्रिलर, रोमांस सब देखने को मिलता है। फ्रेंचाइजी का नाम है रेस, जिसके 3 पार्ट्स पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके हैं। अब आने वाला है 4th पार्ट, जिससे मेकर्स को और भी कई ज्यादा उम्मीदें हैं। रेस के पहले पार्ट में हमें स्टार कास्ट में मेन हीरो सैफ अली खान नजर आए थे, वहीं उनके साथ अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और फीमेल लीड में बिपाशा बासु, कटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे सुपरस्टार नजर आए थे। इस मूवी को डायरेक्ट अब्बास मस्तान ने किया था। इन सभी ने मिलकर पहले पार्ट में इस तरह से काम किया कि सब इनके दीवाने हो गए और मूवी ने वर्ल्ड वाइड नाम कमाया। 2013 में लेकर आए थे, इसे भी डायरेक्ट करने वाले अब्बास मस्तान ही थे। वहीं पिछले की तरह ही इसमें भी मेन हीरो सैफ अली खान ही दिखाई दिए, लेकिन इस बार बाकी लीड में काफी चेंजेस दिखे। एक्टर में जॉन अब्राहम नए दिखे, वहीं एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस, अमीषा पटेल लीड में दिखाई दिए। अनिल कपूर भी दोनों पार्ट का हिस्सा रहे। कहा जा रहा है कि आने वाले 4th पार्ट में रेस 2 के कई सारे स्टार कास्ट रिपीट होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इनके फैंस के लिए ये काफी सरप्राइजिंग होने वाला है। अब रेस 2 के बाद आई इसकी 3री इंस्टॉलमेंट, जिसमें सब कुछ बदला हुआ नजर आया। इस मूवी के डायरेक्टर और मेन लीड तो बदले ही, साथ ही कुछ स्टार कास्ट भी बदली नजर आई। रेस 3 में मेन रोल सैफ की जगह सलमान को दिया गया, वहीं बाकी के लीड में बॉबी देओल, डेजी सा, साकिब सलीम और फ्रेडी दरुवाला नए दिखाई दिए। अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस इस बार भी नजर आए। मूवी के डायरेक्शन का काम रेमो डिसूजा को दिया गया, हालांकि इस बार बड़े चेंजेस करने से मूवी को ज्यादा फायदा नहीं मिला, बल्कि इसे क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा। वहीं अब इस फ्रेंचाइजी की फिर से अच्छी इमेज बनाने के लिए रेस 4 में एक बार फिर बदलाव किए जा रहे हैं। सैफ अली खान को रेस 4 में वापस लाया जा रहा है। वहीं इस बार कई ऐसे सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इस बार अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी, सुनील शेट्टी, करीना कपूर और प्रीति जिंटा जैसे बड़े कलाकार एक साथ दिखाई दे सकते हैं। दीपिका पादुकोण अपने फैंस को एक बार फिर दिखाई दे सकती हैं। हालांकि अभी किसी भी कलाकार के मूवी में होने की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कलाकारों की इतनी लंबी लिस्ट देखने के बाद अब आप मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड तो जरूर हुए होंगे। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो मेकर्स के द्वारा की गई अनाउंसमेंट के बाद ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।